anxious of that. तो ट्रायंगुलर फैक्टर एडिशन कब होता है हमारा, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मीट, यानी एक ए वेक्टर है उसका जो हेड है उसके हेड से दूसरा वेक्टर अराइज हो, ठीक है। तो यहाँ जो इनका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से, यानी इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या कर देंगे, जॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, इन दोनों वेक्टर के सम के। इसका क्या मैग्नीट्यूड होता है अभी हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन कब यूज होगा, तो कब यूज होगा जब एक का हेड से दूसरे का टेल अराइज हो, तो हमारा क्या होगा ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये किसके लिए, ट्रायंगुलर के लिए। पैलोग्राम कब लॉ अराइज होता है, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से अराइज हो, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से, हेड टेल का कोई कनेक्शन, यानी कि दोनों का क्या कर रहा है एक एक साथ ही। तो इसका जो रिजल्टेंट लिखते हैं वो हम इसके डायगोनल से लिखते हैं। जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसका ओरिजिन यहाँ है, बी वेक्टर का भी ओरिजिन यहाँ है, तो जो इनका ये डायगोनल बनेगा ना वो क्या कहलाएगा, इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। वो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी। ये बिल्कुल हम ट्रायंगुलर लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इन केस अगर बी वेक्टर को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करूँ, बी वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस करूँ तो बिल्कुल ट्रायंगुलर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय भी जो फॉर्मूला आता है ना रिजल्टेंट का वो सेम रहता है, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लगाओ या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगाओ, दोनों में जो रिजल्ट आता है वो आता है आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, ठीक है। ए तो वैल्यू है इसकी, बी वैल्यू है, एंड थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल, इनके बीच में थीटा कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऐसे स्टैंड करे, यहाँ जो ये थीटा बनेगा, इस थीटा, ये थीटा यहाँ पे, यहाँ ए और बी के बीच में ये दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला भी बन रहा है और ये वाला, ये हमें क्या रहना है शॉर्टेस्ट एंगल, जो दोनों के बीच में क्या हो छोटा वाला है। यहाँ पे अगर दोनों का लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो सकता है, तो ये दोनों क्या बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसके हेड से जब ए अराइज हो तो हम ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, एंड अगर दोनों का ओरिजिन सेम हो तो क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ एक वेक्टर मान लेता हूँ ए वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर मान लेता हूँ बी वेक्टर, फिर तीसरा वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर, चौथा वेक्टर मान लेते हैं डी, इन चारों का क्या करना है रिजल्टेंट निकालना। तो देखो इस समय जो लॉ लगता है वो क्या लगता है, पॉलीगन लॉ। लेकिन अगर हम सिर्फ इन दो वेक्टर को देखें, ठीक है, इन दो वेक्टर को देखें तो हम यहाँ इनका रिजल्टेंट कहाँ ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा, हेड से टेल मिल कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या जाएगा, ऐसे ड्रॉ होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो अब ये नया वेक्टर है, अब ये नया वेक्टर इस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट बनाएगा। अब हम इस चीज को क्या बुझाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जगह क्या आ गया, ये वाला वेक्टर। अब अगर हम सी के साथ वेक्टर के साथ हम क्या करें, एडिशन करें, तो यहाँ पे सिमिलर वही केस हो गया, हेड टेल से जुड़ रहा है, तो दोबारा संख्या लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आर जो आएगा इसको आर वन मान लेते हैं, इसको आर टू मान लेते हैं, तो ए आई क्या क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये कर दिया तो पूरा सिस्टम हट गया, अब क्या है, ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर,
तो अगर इन दोनों में दोबारा से ट्रायंगल का और फैक्टर एडिशन लग जाएगा, ये क्या है, एड से टेल जोड़ रहा है। यहाँ जो नेट फाइनल मैं रिजल्टेंट लिखूंगा वो रिजल्टेंट क्या हुआ है, हमने ओरिजिन से हेड को ज्वाइन किया है, तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी, यानी चारों वैक्टर का हमें क्या कर देना है, सम कर देना। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर बहुत सारे वेक्टर एक सेम ऑर्डर में अलाइन है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में, सारे ये किधर से जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, लेकिन जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे हुआ है, और ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन पेपर में आता ही है, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में से एक जरूर है क्लास 10 के पेपर में, इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगुलर या तो आएगा या फिर पैरेललोग्राम, और दोनों की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, सेम है। ठीक है, तो इसका मैं एक का सॉल्व कराता हूँ, दूसरे का ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा क्या कंस्ट्रक्शन करके ये ड्रॉ। ठीक है, तो फिर हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। क्या होता है, एक एक वेक्टर गिवन होता है, ये ए वेक्टर है और दूसरा हम वेक्टर मान लेते हैं ये बी है, और ये मैंने क्या बोला, इन दोनों का रिजल्ट है, तो जिसका इसका हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड किया और इसको जोड़ा, ठीक है, ताकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हुआ 90, और ये हमने लाइक किया कि ये क्या है, तो अगर इसमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इस ट्रायंगल की बात करें, मैं पहले ट्रायंगल लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस दे देते हैं क्योंकि एबीसी से कंफ्यूज पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस, इस ट्रायंगल में छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी एस आर अपॉन में बेस, अपॉन में हाइपोटेन्यूस, अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू एस, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें दे रखा है ना बी का, तो यहाँ से अगर हम एस आर की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, बी साइन। वेक्टर सिंबल लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ तो इसको हटा दो। एंड इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी क्यू आर अपॉन में क्यू एस। अब क्यू आर को तो ऐसे रखेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस पता है, उसको हमने क्या लिख दिया, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस, तो ये क्या आ गया, क्यू आर की वैल्यू, तो यानी हमें इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू मिली, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, क्योंकि हमें आर निकालना है, हमें बी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, आर, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर, तो इन ट्रायंगल पी आर एस यानी बड़े वाले में, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा यानी एस आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, तो हमारे किसके इक्वल होगा, पी एस के इक्वल होगा, मैं पी एस किस तरफ लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस। तो अब पी एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है, आर गिवन है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ES की वैल्यू कितनी गिवन है, R है ना, रिजल्टेंट वेक्टर से ड्रॉ कर रहे हैं, एंड RS की SR की वैल्यू क्या लिखेंगे, B sin theta, तो यहां क्या कर देंगे, B sin theta का स्क्वायर, एंड PR की जगह हम लिखेंगे, ये PR पूरी लेंथ है, तो PR में यहां तक की जो लेंथ है वो तो A है, उसके बाद जो लेंथ है वो कितनी है, B cos theta, तो अगर मुझे पूरी PR चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए, A plus B cos theta, E R तक का लेंथ है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो A है।
उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो बी कॉस थीटा है, तो मुझे टोटल लेंथ लेनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या लगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ठीक है टू ए बी, क्योंकि ए तो यही है और बी पूरा कितना है बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला। ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के, तो अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो पूरा क्या हो जाएगा रूट के चला जाएगा, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर लिख रहे हैं, और यहाँ पे बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर, तो हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो उसकी वैल्यू क्या आती है वन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये हमारी क्या आगे रिजल्टेंट आ। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो हमें इसका क्या निकालना चाहिए, डायरेक्शन भी निकालना चाहिए, तो अभी हम इसकी डायरेक्शन निकालें, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं टेन अल्फा, ये क्या है पूरा ये जो ट्राइंगल है हम यही ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ई आर एस, तो टेन अल्फा जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन विथ बेस, परपेंडिकुलर की जगह अब मैं क्या लिख रहा हूँ एस आर है और बेस को टोटल कितना है पी आर, तो यहाँ पे मैं एस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, एस आर की जगह हमने क्या लिखा है बी साइन थीटा, और इसकी जगह क्या लिखा है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हमने क्या निकाल दी उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कितना वो एलिवेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा ए से वो इतने एंगल यानी अल्फा एंगल से क्या कर रहा है एलिवेट कर, तो हमेशा ध्यान रखना है तुम ए से निकाल रहे हो ना तो यहाँ पे क्या यूज करोगे बी यूज करो, जिससे निकाल रहे हो उसके दूसरे वाले से, तो बी साइन थीटा ऊपर रहेगा बी कॉस थीटा प्लस में, और अदरवाइज अगर डेरिवेशन देखो तो डेरिवेशन